देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। मीडिया श्रावस्ती में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रावस्ती जनपद के सिरसिया बाजार स्थित दुर्गा मंदिर से कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सिरसिया व वंदना शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों के सम्मान को लेकर मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकाला गया, जो दुर्गा मंदिर से होते हुए सिरसिया चौराहा पर जाकर समाप्त हुआ। कैंडल मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय व किसानों के सम्मान में नारेबाजी भी की और शहीद हुए किसानों को मुआवजा देने की बात की। साथ ही भारत सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने को लेकर कांग्रेसियों ने कहा कि धरना देने के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उन किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा और परिवार के लोगों को आर्थिक मदद भी करे। इस दौरान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष यशोदा नंदन शर्मा, 289 विधानसभा की होने वाली प्रत्याशी वंदना शर्मा, अनिल तिवारी, दयानंद शर्मा, राधेश्याम शर्मा व कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैंडल मार्च इसलिए किया गया है, हम लोग कैंडल मार्च किसान के सम्मान में कर रहे हैं क्योंकि केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही थी। कृषि के 3 काले कानून ये लागू करना चाहते थे, उस पर किसान आंदोलित थे, हमारी पार्टी उनका समर्थन कर रही थी। आज किसानों को, इससे पहले किसानों को आतंकवादी कहा गया, माओवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, उसके बाद लेकिन तब भी किसान हमारे आंदोलन करते रहे, कई किसान शहीद हुए, हिंदुस्तान के 700 किसान शहीद हुए हैं। उसके बाद ये नरेंद्र मोदी को तब अकल आया और इन्होंने अपने कानून वापस लिए। इसी के विरोध में मैं उनसे मांग करता हूँ कि जो किसान शहीद हुए हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए और उनसे माफ़ी मांगे, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है वो वापस लें। कितनी संख्या में आप लोग थे यहाँ? लगभग 50 लोग थे हम लोग। कौन कौन, किसके अचानक किसके नेतृत्व में ये निकाली गई? ये 289 विधानसभा भिनगा की प्रत्याशी वंदना शर्मा और मैं ब्लॉक अध्यक्ष यशोदा नंदन शर्मा के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें तमाम लोग।